सिंह की कहानी आप सभी को मालूम है। उन्होंने अपने जीवन में फांसी की सजा पाई और फांसी की सजा पाने के पीछे का कारण क्या था कि अमर शहीद भगत सिंह ने एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी को गोली से मारा था। उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी का नाम था सैंडर्स। लाहौर का वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था। सैंडर्स ने क्या किया था, भारत देश के एक अहिंसावादी क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को भारत से मजबूर होकर भगा देने के काम में लगे हुए क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था सैंडर्स ने। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की सरकार के एक कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था लाहौर में। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उस रॉलेट एक्ट में ये व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी भारतवासी को, कोई भी अंग्रेज सरकार का पुलिस कर्मचारी रात के 2-3 बजे घर से पकड़कर ले जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको सालों साल जेल में रख सकता है। उस रॉलेट एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत के जिस व्यक्ति को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार किया वो व्यक्ति अपनी अपील कहीं भी नहीं कर सकता, किसी अदालत में नहीं जा सकता। और अंग्रेज पुलिस के कर्मचारी का दिमाग फिर जाए, दिमाग उल्टा हो जाए, तो उस भारतवासी को पीटेगा, मारेगा, उस पर अत्याचार करेगा और भारतवासी अपनी शिकायत नहीं कर सके। ऐसा एक बर्बरतापूर्ण कानून बनाया था अंग्रेजों की सरकार ने, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था लाहौर में। उस जुलूस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेजी अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया था और लाला लाजपत राय के सिर में इतनी लाठियां मारी थी कि लाला जी को ब्रेन हैमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भगत सिंह भी वहीं हुआ करते थे जहां लाला लाजपत राय थे, लाहौर। तो भगत सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज की। पुलिस की उस शिकायत के आधार पर इंक्वायरी हुई, जांच हुई। जांच में पाया गया कि लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी बिना किसी कारण के। लाला जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उनको लाठियों से पीटा जाए, न उन्होंने संपत्ति का नुकसान किया, न उन्होंने पुलिस का कोई नुकसान किया, न पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोई अपशब्द कहा, न पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की, न किसी को उकसाया, न किसी को भड़काया, फिर भी उनके सिर में लाठियां मारी गई। ये जांच में बात निकल के आई। तो शहीद आजम भगत सिंह का ये कहना था कि सैंडर्स नाम के अधिकारी को दंड मिलना चाहिए क्योंकि उसने बिना किसी कारण लाला जी को सिर में लाठियां मारी और लाला जी का ब्रेन हेमरेज हो गया। लेकिन जब सैंडर्स के सामने ये बात आई तो सैंडर्स ने कहा कि मुझे कोई सजा मिल नहीं सकती, कोई दंड मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिस कानून के आधार पर यह काम किया है वो कानून मेरे पक्ष में है, पिटने वाले के पक्ष में नहीं। उस कानून का नाम क्या? उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून कब बना था? सन 1860 में। और ये घटना कब हुई थी? 1927 में। 1860 में अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। उसमें हर पुलिस अधिकारी को एक अधिकार दिया गया, उसका अंग्रेजी में नाम है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस का माने पीटने का अधिकार, मारने का अधिकार, हमला करने का अधिकार, अत्याचार करने का अधिकार। ये सारे अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को दिए गए, पुलिस को दिए गए, लेकिन जिसको पीटा जा रहा है उसको बचाव करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस 1860 के इंडियन पुलिस एक्ट के बारे में जितना अध्ययन मैंने किया दो ही बातें मेरे समझ में आई। हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। आपके ऊपर अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है
तो आप पिट लीजिए पुलिस से, उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा कि आपने पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका, उसका कर्तव्य करने से रोका। मतलब बिल्कुल सीधा है, कानून अंग्रेज पुलिस के समर्थन में था, भारत के क्रांतिकारियों के विरोध में था। तो सैंडर्स ने जब अदालत में ये बहस उठाई और उसने कहा कि मुझे तो कोई दंड नहीं हो सकता, मुझे तो कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कानून के आधार पर मैंने काम किया है, अब इसमें लाला जी का सिर फट गया तो मैं क्या करूं, मैंने तो मेरी ड्यूटी निभाई थी, मेरा अधिकार है कि मैं उनके सिर पर लाठी बरसाऊं, लाला जी मर गए तो मैं क्या करूं। जब इस तरह की बहस हुई तो भगत सिंह को बहुत क्रोध आया और इस बहस का अंतिम परिणाम क्या निकला, सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया गया, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको कोई दंड नहीं हुआ। तो भगत सिंह ने फिर कसम खाई कि अब न्याय मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा, अंग्रेजी व्यवस्था से न्याय की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अपने हाथों से न्याय करने के लिए ही भगत सिंह ने अपनी एक टोली बनाई, जिस टोली में चंद्रशेखर आजाद उनके सहयोगी बने, भगत सिंह एक, राजगुरु एक, सुखदेव एक, चंद्रशेखर आजाद एक, ऐसी करके एक टोली तैयार हुई। इस टोली ने कसम खाई कि आज नहीं तो कल इस सैंडर्स को हम मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि इस सैंडर्स का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है, इसने आज एक लाला जी को मारा है सिर पर लाठी के, कल दूसरे लाला जी को मारेगा, फिर तीसरे को मारेगा, और सारे देश में इसी तरह का माहौल अगर बना तो क्रांतिकारियों के तो जिंदा रहने का कोई स्थान नहीं बचेगा, इसलिए सैंडर्स को मरना बहुत जरूरी है। और इन्होंने एक दिन समय देखकर सैंडर्स को गोली मारी, भगत सिंह ने खुद गोली चलाई थी, और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया इस घटना के बारे में कि भगत सिंह को इतना क्रोध था मन में कि पहली गोली में ही सैंडर्स ढेर हो गया था, मर गया था, लेकिन भगत सिंह ने दो गोलियां और मारी थी उसकी छाती में अपने गुस्से को निकालने के। और उस समय भगत सिंह ने कहा था कि जो न्याय अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था से हमको नहीं मिला, वो न्याय लेने के लिए हमको हाथ में रिवॉल्वर उठानी पड़ी। ये कहानी है। अब इस कहानी का जो मूल है वो ये कि एक कानून बनाया अंग्रेजों ने जिसके आधार पर पुलिस को सारे अधिकार दे दिए और भारतवासियों के सारे अधिकार छिन गए। उस कानून का विरोध करने के लिए और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा, बदले में भगत सिंह को फांसी हुई। लेकिन भगत सिंह को अपनी फांसी का कोई अफसोस नहीं था, उनका यही कहना था कि सारे भारत के नौजवानों को मैंने एक संदेश दे दिया है कि अगर अंग्रेजी सरकार से न्याय न मिले तो तुम भी मेरे रास्ते पर चल पड़ो, एक एक रिवॉल्वर उठाओ और इन अंग्रेजी अत्याचारियों को खत्म करते जाओ। ये संदेश उन्होंने पूरे देश को दे दिया। ये कहानी खत्म हो गई 1931-23 मार्च को, जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसमें भी अंग्रेज सरकार की कायरता और निकम्मापन समझ में आया। आपको शायद ये जानकारी है या नहीं, भगत सिंह की फांसी की सजा 24 मार्च सवेरे 6 बजे की तय हुई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी और घबराई हुई थी कि एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो तीनों को एक साथ फांसी मिली थी, उनके मृत शरीरों को अंग्रेज सरकार ने किसी भी तरह अंतिम संस्कार कर देने का काम किया था। लेकिन कुछ भारत के उस जमाने के सहयोगी जो क्रांतिकारियों के थे, उनको पता चला तो उन्होंने भगत सिंह, उधम, ये शहीद आजम, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम शरीरों को हुसैनीवाला में लाकर सम्मान के साथ उनका संस्कार किया था, जहां तीनों समाधियां बनी हुई हैं। अब मूल प्रश्न पे मैं आता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी पुलिस कानून के खिलाफ ये सारी दुर्घटना घटित हुई, तीन क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, एक लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियां सहन करते हुए मरना पड़ा, वो कानून आजादी मिलते ही जला देना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी वो कानून चल रहा है,
और उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश की पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। पहले क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करती थी, आज साधारण भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है। आज भी पुलिस की लाठियों से लोगों के सिर फटते हैं, टांगें टूटती हैं, पुलिस की गोलियों से लोग मरते हैं और इस देश के लोग बिना किसी बात के अपनी शहादत देते। तब मुझे मेरे मन से ये पूछने का दिल करता है कि क्या देश स्वतंत्र हो गया है, क्या आजादी आ गई है, क्या स्वराज्य की स्थापना हो गई है। अगर अंग्रेजी कानून 1927 में चलता था, 1860 में चलता था, 1947 तक चलता रहा, अब वो 2009 में भी चल रहा है, तो कैसे कहें आजादी आई है, कैसे कहें स्वतंत्रता मिली। अब तो बहुत अफसोस है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस थी जो लाठी मार करके भारतवासियों को लहूलुहान करती थी, अब काले अंग्रेजों की पुलिस हो गई है जो लाठी मार के भारतवासियों को लहूलुहान करती है। अंतर बस इतना ही है, पहले गोरे अंग्रेजों के आदेश पर होता था, अब काले अंग्रेजों के आदेश पर ये होता है, काम तो वही होता है। कई बार मुझे अब दिल रोता है, कई घटनाएं ऐसी होती हैं इस देश में। थोड़े दिन पहले एक घटना घटित हुई दिल्ली में, मैं टेलीविजन पे समाचार देख रहा था। एक दिन समाचार आया कि दिल्ली में कुछ अंधे लोगों की संस्थाओं ने अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक जुलूस निकाला। दिल्ली में एक स्थान है, उसका नाम है जंतर मंतर। आजकल सारे जुलूस जंतर मंतर पर निकलते हैं, वहीं खत्म हो जाते, उससे आगे जाने नहीं देते। तो जंतर मंतर पर अंधे लोगों की संस्था जिसका नाम है राष्ट्रीय अंध संस्था, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन, उनकी तरफ से जुलूस निकाला गया। अंधे लोग देख नहीं सकते, इसलिए हर एक अंधे व्यक्ति के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो आंखों से देख सकता था। वो अपनी कुछ छोटी सी मांग प्रस्तुत कर रहे थे सरकार के सामने। मांग क्या थी कि अंधे लोगों को रेलगाड़ी में या बस में जो टिकट पर थोड़ी छूट मिलती है, वो छूट उस सहयोगी को भी मिले जो उनके साथ चलता है। कोई बड़ी मांग नहीं थी, साधारण सी मांग थी। इस मांग को प्रस्तुत करने के लिए अंधे लोग इकट्ठे हुए और हमारे काले अंग्रेजों की पुलिस ने बर्बरता से लाठियां चलाई और 17 अंधे लोगों के सिर फट गए, उसे लहूलुहान हो गए। क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं सकते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, ऐसी पुलिस की हमारी व्यवस्था है। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, क्या देश आजाद हो गया, क्या हम स्वतंत्र हो गए। कानून तो वही चल रहा है, व्यवस्था तो वही चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। एक और घटना सुनाता हूं आपको। एक बार इस हिंदुस्तान के कुछ विकलांग लोगों ने अपनी मांगों के लिए कुछ प्रदर्शन किया, जिनके पांव पोलियो ग्रस्त हैं। आप जानते हैं कि जिनके पांव पोलियो ग्रस्त होते हैं, वो हाथ से साइकिल चलाकर, रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो हाथ से साइकिल रिक्शा चलाकर सैकड़ों मील का सफर करके लोग इकट्ठे हुए अपनी मांगों के ज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिए। पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाई, उनकी साइकिलें तोड़ी गईं, उनके सिर फोड़े गए, उनकी टांगें तोड़ी गई। और एक घटना सुनाता हूं आपको। हमारे देश में राजस्थान नाम का एक राज्य है, वहां एक सरकार चला करती थी थोड़े दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी की। उस सरकार की मुख्यमंत्री थी विजया राजे सिंधिया, माफ करिएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने राजस्थान में एक फैसला किया। फैसला क्या किया, गांव गांव में शराब की दुकानें खोली जाए। अद्भुत फैसला है ये। फैसला उस पार्टी की सरकार का है जो भारतीय संस्कृति की बात करते, भारतीय सभ्यता की बात करते, राष्ट्रीयता की बात करते। उनका फैसला, हर गांव में शराब की दुकान खोली जाए, हर व्यक्ति को शराब में डुबो दिया जाए, ये उनकी नीति और ये उनका फैसला। किसानों ने इसका विरोध किया और किसानों ने कहा कि हमको गांव में शराब नहीं चाहिए, पीने का पानी चाहिए।
हमको गांव में शराब नहीं चाहिए, हमें हमारे खेत को पानी चाहिए। तो हमारे खेतों को पानी मिले और हमको पीने का पानी मिले, इसकी व्यवस्था सरकार करे तो वहां तक तो ठीक है, हमें शराब नहीं चाहिए पीने के लिए। परिणाम क्या हुआ, किसानों ने इस मांग के लिए अपनी रैली निकाली और वसुंधरा राजे सरकार ने उस रैली पर गोली चलाने का आदेश दिया। 14 किसान एक स्थान पर तत्काल मारे गए। ऐसी हमारी पुलिस व्यवस्था और ऐसी हमारी राज्य व्यवस्था। वसुंधरा राजे सरकार को कुर्सी से उतारकर उनके लोगों ने अहंकार और मद में चूर, अगर कोई मुख्यमंत्री इस मूर्खता के फैसले के साथ अपने आप को प्रस्तुत करे तो ऐसों को तो मुख्यमंत्री पहले बनना ही नहीं चाहिए, और बने तो कान पकड़कर उनको नीचे ही उतार देना चाहिए, उनको बिठाकर रखने की कोई जरूरत नहीं। अब मुख्यमंत्री को तो कुर्सी से उतार दिया, उनकी पार्टी को उसका दंड मिल गया और वो दंड इतना पक्का मिल गया कि अब पार्टी में ही खदर बदर मच गई है। अब ये पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, ये प्रश्न खड़ा हो गया है पूरे देश के सामने। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जो मूल बात पे आना चाहता हूं वो ये कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, राष्ट्रीयता की बात करने वाली भी सरकारें पुलिस का वैसा ही इस्तेमाल करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। पुलिस उनके लिए वही है जो अंग्रेजों के लिए, गोली चलाने वाली, लाठी चलाने वाली, सिर तोड़ने वाली, पांव तोड़ने वाली। एक और उदाहरण देता हूं आपको। बंगाल नाम का एक राज्य है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वहां पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है सिंगूर। सिंगूर गांव के किसानों से जमीनें छीनी गई जबरदस्ती। किसान जमीन देना नहीं चाहते, जबरदस्ती उनसे जमीनें छीनी गई। उन जमीनों को बचाने के लिए किसानों ने संघर्ष करना शुरू किया और अपने आप को पुलिस के सामने उन्होंने खड़ा पाया। तो बंगाल की सरकार ने भी पुलिस को वही आदेश दिया जो राजस्थान सरकार ने दिया था, गोली चलाओ, लोगों को मार डालो। 17 लोगों को एक दिन में मारा, 21 लोगों को दूसरे दिन में मारा और गोलियां चला चलाकर लोगों को लहूलुहान कर दिया। बंगाल की पुलिस ने, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि कहते हैं, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उनके राज्य में भी पुलिस गरीबों को ही मारती है, सर्वहारा को ही मारती है। मतलब सीधा सा ये है, राजस्थान की पुलिस हो या बंगाल की पुलिस, चरित्र सबका एक ही है। बीजेपी के सरकार में ये दुर्घटना हो या कम्युनिस्ट सरकार में, चरित्र एक ही है, कानून एक ही है, व्यवस्था एक ही है, तरीके एक ही हैं। इसलिए मैं अपने आप से कई बार पूछ लेता हूं, क्या देश आजाद हो गया, क्या हमको स्वतंत्रता मिल गई? जब अत्याचारी कानून अंग्रेजों के जमाने के पुलिस का आज भी चल रहा हो, कैसे कहें कि देश आजाद हो? इसलिए मैं मानता हूं शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो कानून अभी भी जीवित है। लाला लाजपत राय ने जिस कानून के अत्याचार को सहते हुए अपनी जान दी है, वो कानून अभी तक जीवित है। और जब तक ये इंडियन पुलिस एक्ट नहीं बदला जाएगा, तब तक लाला लाजपत राय की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और अब हम उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकेंगे। एक और उदाहरण से बात को समझाता हूं, देश कितना गुलाम है। अंग्रेजों के जमाने में एक अधिकारी आया, आपने किताबों में उसका नाम पढ़ा होगा, उसका नाम था डलहौजी। बहुत अत्याचारी, बहुत क्रूर, उसके अत्याचार और उसकी क्रूरता की कहानियां लिखी जाएं तो मोटे मोटे किताबों के पन्ने भर जाएंगे। इतने अत्याचार और इतनी क्रूरता उस आदमी ने निभाई। उसने क्या काम किया था इस देश में, जब वो आया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और एक बड़ा अधिकारी बन गया, तो उसने एक कानून बनवाया इस देश में। वो कानून लंदन की संसद से पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में हम इसको कहते हैं भूमि के अधिग्रहण का कानून।
इसको सही शब्दों में कहना चाहिए, जमीन को छीनने का कानून, जमीन को लूटने का कानून। अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है, जिसमें आप किसी की मर्जी से, किसी की इजाजत से चीज लेते हैं, वो अधिग्रहण होती है। आपने कोई खेत का टुकड़ा अपनी मर्जी से किसी को बेचा, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आपने बेचा, तो जिसको मिला वो कहेगा कि मैंने इस भूमि का अधिग्रहण आपसे किया। अधिग्रहण होता है इच्छा के साथ, अनुमति के साथ। लेकिन जबरदस्ती आप किसी से छीनते हैं, उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते, उसकी अनुमति की परवाह नहीं करते, तो वो अधिग्रहण नहीं होता, वो तो लूटना होता है, छीनना होता है। तो डलहौजी ने यही कानून बनाया, जमीन को लूटने का, छीनने का, नाम रख दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के लागू होते ही डलहौजी ने एक नया काम शुरू किया। वो गांव-गांव जाता था और भारत के किसानों की जो पंचायतें होती हैं गांव की, उन पर एक नोटिस लगाता था। उस नोटिस में लिखा जाता था, इस गांव के जिस किसान के पास भी अपनी भूमि है, वो मेरे सामने आकर सिद्ध करे कि ये भूमि उसकी है। डलहौजी के सामने किसान आते थे, वो कहते थे ये जमीन हमारी है। डलहौजी पूछता था कैसे है, तो कहता था, किसान कहते थे हमारे पिताजी ने दी, पिताजी को उनके पिताजी ने दी, उनको उनके पिताजी ने दी। हमारे यहाँ जमीन का हस्तांतरण करने का तरीका यही है, वारसा से हमारे यहाँ जमीन इसी तरह से हस्तांतरित होती आई है। तो डलहौजी उनसे कहता था कागज दिखाओ, तुम्हारे पास कोई कागज है सबूत का? कागज कौन रखता था इस देश में? यहां तो मुंह से निकली हुई बात कागज से ज्यादा पक्की मानी जाती थी। इस देश में जब तक कागज के चलन की व्यवस्था नहीं थी, मुंह से निकली गई बात कागज से पक्की मानी जाती थी, और उस मुंह से निकली हुई बात के लिए साम्राज्य चले जाया करते थे। लोग अपनी बात की रक्षा करने के लिए इतने प्राणपण से काम किया करते। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई आपने सुनी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया, बस बात खत्म हो गई। कागज क्या होता है, उस पे तो कभी भी कुछ लिखा जा सकता है। आज एक लाइन लिखी है, उसके नीचे दूसरी लाइन लिख सकते हैं जो बिल्कुल उसके उल्टी है, और कागज का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन डलहौजी कहता था नहीं, कागज दिखाओ। कागज किसी के पास होता नहीं था, तो डलहौजी एक ऐलान करता था कि आज से ये जमीन अंग्रेज सरकार की है, और किसानों से जमीनें छीनकर अंग्रेजी सरकार को दे दी जाती थी। मैंने डलहौजी के समय का सारा इतिहास पढ़ा, सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए, 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी थी डलहौजी ने। डलहौजी की पुलिस और डलहौजी का पूरा प्रशासन एक एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीनता था। एक एक दिन गांव-गांव उनकी अदालतें लगती थी और जमीनें छीनने का ऐलान होता था। 10 करोड़ किसान इस देश में भूमिहीन हो गए डलहौजी की नीति के चलते। डलहौजी के जिस कानून के चलते भारत के 10 करोड़ किसान भूमिहीन हो गए, डलहौजी का बनाया हुआ वो कानून आजादी के 62 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वो बदला नहीं गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट अभी भी इस देश में चल रहा है, और आज भी इस देश की सरकारें डलहौजी के तरीके से ही किसानों से जमीनें छीन रही हैं। किसानों की लाखों एकड़ जमीनें सरकार के कब्जे में जा रही हैं, और सरकार के एजेंट उन जमीनों का सौदा कर रहे हैं। किसानों से जमीनें खरीदी जा रही हैं 15 पैसे स्क्वायर फीट में, और दलालों को और पूंजीपतियों को बेची जा रही है 1500 रुपये स्क्वायर फीट में। आप जानते हैं, रोज अखबार आप पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, इस देश में सरकार की कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं। एक व्यवस्था चल रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए इस देश में, SEZ बनाया जाए। उसके लिए गांव की जमीन को नोटिफाई किया जाता है, 40 गांव की जमीन, 50 गांव की जमीन, 100 गांव की जमीन एक साथ सरकार छीन लेती है। रातों रात नोटिस आता है, और भारत देश का कलेक्टर नाम का अधिकारी जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, आज भी है, वो गांव की पंचायत को नोटिस थमाता और कहता है कि ये गांव खाली कर दो, क्योंकि आपकी जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हमें चाहिए। लाखों एकड़ जमीनें पिछले 15 वर्षों में किसानों से छीनी गई हैं इस देश में।
मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन, एक हेक्टेयर में आप जानते हैं करीब करीब 5 एकड़ होता है, तो 25 लाख हेक्टेयर, 25 से 30 लाख हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन किसानों से छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दी गई है कौड़ी के भाव में। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है। मेरे जिले के नजदीक में दादरी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस दादरी कस्बे के 170 गांवों से हजारों एकड़ जमीन किसानों की छीनकर रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेची। ऐसे बेची कि सरकार धीरूभाई अंबानी की कंपनी की एजेंट बन के काम करती। किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, और लाठियां बरसाकर, गोलियां चलाकर जबरदस्ती जमीनें छीनकर रिलायंस को बेची गई। क्या करेगा रिलायंस? उस समय कहा गया कि वो एक कारखाना बनाएंगे, बिजली बनाने का कारखाना लगाएंगे। मेरे जैसे आदमी ने उस कारखाने का हिसाब निकाला तो पता चला 250 एकड़ जमीन में वो कारखाना आराम से लग सकता है, उसके लिए 50-60 हजार एकड़ जमीन की कोई जरूरत नहीं है, तो इतनी जमीन क्यों ली गई? जब आरटीआई एक्ट में हम लोगों ने इस मामले को डाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में डाला, तो पता चला कि वहां कोई बड़ा शहर बनेगा रिलायंस का। वो जमीन किसानों से 15 पैसे स्क्वायर फीट में ली गई है, वो शहर बनने के बाद 15,000 रूपये स्क्वायर फीट में बेची जाएगी, बीच का मुनाफा रिलायंस खाएगा। रिलायंस के बाप की जमीन नहीं, उसके दादों की जमीन नहीं, जमीन हमारे किसान की है, मजदूर की है, लेकिन मुनाफा रिलायंस की तिजोरी में जाएगा। ऐसे हमारे देश में सरकारें काम करती हैं, कभी रिलायंस के लिए, कभी टाटा के लिए, कभी कॉलगेट के लिए, कभी हिंदुस्तान लीवर के लिए। पहले हमारी सरकारें काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब सरकारें काम करती हैं रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी के लिए। कैसे कहें देश आजाद हो गया, कैसे माने स्वतंत्रता आ गई इस देश में? किसानों की जमीनें तो आज भी छिन रही हैं इस देश में। और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं, जिस गांव की जमीन को सरकार छीन लेती है उसके बारे में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? एक चालाकी हमारे देश के काले अंग्रेजों ने की। जब संविधान बनाया तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया, संविधान के 9वें अनुच्छेद में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिसको किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हर किसान तड़पता है, बिलखता है, जमीन एक बार उसके हाथ से जाती है तो वापस नहीं आती, बेघर हो जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। इस देश के किसानों के साथ ये व्यवहार होता है। तो डलहौजी का लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर आजादी के 62 साल में भी चले तो कैसे कहें कि देश आजाद हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि डलहौजी मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई है जो किसानों से जमीनें छीन गई। सैंडर्स मरा नहीं है, उसकी आत्मा पुलिस अधिकारियों में प्रवेश कर गई है जो हमारे लोगों के सिर फोड़ रहे हैं। आजादी आई नहीं है, अधूरी आई है, स्वतंत्रता मिली नहीं है हमको अभी। और एक उदाहरण देता हूं आपको, हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया सन 1860 में, उस कानून का नाम रखा गया आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। यहां जो कोई वकील मित्र बैठे होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा, आईपीसी बनाया अंग्रेजों ने। जिस अंग्रेज ने आईपीसी की ड्राफ्टिंग की उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। इसने हिंदुस्तान में आकर दो ही सत्यानाशी काम किए, एक तो शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी हमारी जो गुरुकुल पर आधारित थी, मातृभाषा आधारित थी, दूसरी न्याय व्यवस्था को हमारे खत्म कर दिया इस मैकॉले ने। मैकॉले ने जब आईपीसी की ड्राफ्टिंग की तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि आपने भारत के लिए जो कानून बनाया है इंडियन पिनल कोड, उसके बारे में जरा बताइए। तो मैकॉले ब्रिटिश संसद में बयान दे रहा है और कह रहा है कि मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, हम अंग्रेजों ने आयरलैंड नाम के देश को गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनाया था 10वीं शताब्दी में, वही कानून मैंने भारत को गुलाम बनाने के लिए बना दिया है 17वीं शताब्दी में। अंतर इतना ही है कि वो कानून था आयरिश पीनल कोड,
आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए, मैंने आयरिश का कर दिया है इंडियन पीनल कोड भारत को गुलाम बनाने के लिए। आयरलैंड की गुलामी के लिए 10वीं शताब्दी में बनाया गया आयरिश पीनल कोड,